भारत माता की भारत माता की भारत माता की। कुमाऊं समाज के इस महाकुंभ के अंदर राजस्थान से आए सभी कुमाऊं शिल्पकारों को मैं प्रणाम करता हूं। इस महाकुंभ में भीमाराम जी दम्बीवाला, ताराचंद जी सुरैया जी, छोटू राम जी फुलेरा से विधायक माननीय निर्मल कुमावत जी, युवा नेता डीडी कुमावत जी, पन्ना लाल जी और मंच में विराजे सभी पदाधिकारीगण, हमारे धार्मिक गुरु और यहाँ पर आए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कुमाऊं समाज का एक बड़ा इतिहास है। मेवाड़ की पुण्य धरती पर महाराणा कुंभा ने अपने राज दरबार में अपने राज शिल्पियों को संबोधित करते हुए कुमावतों को मेवाड़ का रक्षक कहा था। उन्होंने कहा था, हे कुमाऊं क्षत्रियों, कुयानी धरती माता और वनवानी यानी सतत रक्षक, वास्तव में आप मेवाड़ के रक्षक हो। और आज भी इस भारत की प्राचीनतम आध्यात्मिक कला संस्कृति के असली शिल्पकार रक्षक हैं तो कुमाऊं समाज के लोग हैं। और इसीलिए भारत और राजस्थान की गौरवशाली परंपरा को समृद्ध करने में, उसकी विरासत रक्षक में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। राजस्थान में चले जाएं, देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाएं, वहां प्राचीनतम कोई गढ़ होगा, कोई किला होगा, कोई जलाशय होगा और कोई भव्य इमारत होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं कुमाऊं समाज के पसीने की ताकत होगी। और इसीलिए आज भी, आजादी के बाद भी, चाहे संसद का भवन हो, चाहे विधानसभाओं का भवन हो, हर जगह चित्रकला और शिल्पकार के अंदर उस पनी से और मेहनत से भारत की इस विरासत को समृद्ध करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए आप शिल्प सृजनकार हो, आप वास्तुकला के विश्वकर्मा हो, और इसीलिए विश्वकर्मा की के रूप में आपका सम्मान और मान आज भी सभी समाजों के अंदर है। इसलिए साथियों, इस राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी में हम बैठे हैं, जयपुर में। हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी को उस समय जो शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, उनका विजन कितना बड़ा था कि जयपुर को एक सुनियोजित बसावट के रूप में यहाँ की इमारत, यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ की वास्तुकला के अंदर कहीं ना कहीं योगदान है, तो कुमाऊं समाज का योगदान है। और उसमें वास्तुकार उस्ताद लालचंद जी का भी बहुत बड़ा मान और सम्मान है। शिल्प गणेश खोवाल हो,
उस्ताद राम विलास मनेठिया जी हो, जागीदा उस्ताद लक्ष्मीनारायण जी मनेठिया हो, और समाज के बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से, कठिन परिश्रम से, अपनी कला से इस जयपुर के जीवंत बनाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसीलिए आज ये जयपुर की राजधानी, चाहे चित्रकला के अंदर हो, चाहे मूर्ति कला के रूप में हो, चाहे विविध कला के अंदर हो, इसकी पहचान है तो आप सब लोगों के शिल्पकारों के अंदर है। आज दुनिया भर के लोग और देश के लोग आते हैं मूर्तियां लेने, तो जयपुर की धरती पर आते हैं। जब मैंने जयपुर में अलग अलग चित्रकलाओं को देखा, मैंने संसद भवन के उस गेट को देखा, तो मैंने कहा चित्रकारी किसने की, कि राजस्थान के कुमाऊं समाज के व्यक्ति ने। तो मुझे भी गर्व हुआ कि जिस धरती से मैं आता हूं उस धरती पर ऐसे शिल्पकार हैं, ऐसे चित्रकार हैं, ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने भारत की वैभवशाली विरासत को हमेशा समृद्ध करने में योगदान दिया है। और इसीलिए आज भारत की स्थापत्य कला हो, आध्यात्मिक हो, सांस्कृतिक विरासत हो, उस सब में प्राचीनतम रूप में जो ऐतिहासिक धरोहर है उसमें कुमाऊं समाज का योगदान है। और इसीलिए चाहे राजस्थान आज पर्यटन नगरी हो, पर्यटन के रूप में हमारी ऐतिहासिक विरासत, इन कलाओं को देखने, यहाँ की समृद्ध विरासत को देखने दुनिया के लोग आते हैं। इसलिए आपके योगदान के कारण भारत के अंदर पर्यटन को समृद्धि मिली है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए साथियों, आज कोई भी मंदिर में चले जाएं, उस मंदिर के अंदर चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्तिकला हो, उसमें कहीं ना कहीं आपकी पसीने, आपकी मेहनत का कहीं ना कहीं झलक आती है। और इसके कारण आज राजस्थान नई देश के अंदर आपका नाम और वैभव हमेशा अमर रहेगा। अब समय बदल गया है, समय बदलाव की ओर है। समाज का मूल काम करते करते समाज ने कुछ प्रगति की है, लेकिन हमें और आगे बढ़ना है। हमें समाज को अगर आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत करना है तो हमें शिल्पकार के अंदर जहाँ आधुनिकता का काम भी करना होगा, वहाँ हमारी विरासत को भी जिंदा रहना होगा। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने समाज के अंदर, हम राजनीति दृष्टि से आगे बढ़ें, यह हमारी आवाज़ हो सकती है, हम सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ें यह आवाज़ हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो आने वाले समय के अंदर देश और प्रदेश का नेतृत्व करेगी, उस पीढ़ी को भी संस्कारित और शिक्षित बनाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी बेटियों को इस तरीके का हम अच्छी संस्कारी शिक्षा दें। अरे आप में तो वो शिल्पकार है, आप में तो वो दिमाग है, आप कड़ी मेहनत करने वाले हो, कठिन परिश्रम करने वाले हो। इसलिए परिवार के अंदर भी देखा जाए और वंशागत रूप में देखा जाए तो आप जैसे मस्तिष्क का व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। और इसीलिए आपको समाज के अंदर हमारी युवा पीढ़ी को इस ऊर्जावान के साथ साथ एक अच्छी शिक्षा, एक तकनीकी शिक्षा, एक आधुनिक शिक्षा देकर समाज में आने वाले समय के अंदर हमारा समाज का व्यक्ति देश और प्रदेश में नेतृत्व करे। कई लोगों ने नेतृत्व किया है, मैं नाम नहीं गिना सकता, नाम बहुत सारे हैं, लेकिन जिन्होंने दिल्ली के अंदर भी नेतृत्व किया, जिन्होंने राजस्थान में नेतृत्व किया, लेकिन अब गांव-गांव से निकलना चाहिए। अभावों में रहने के बाद भी हमारे गांव का शिल्पकार बच्चा दुनिया में नेतृत्व करे, ये क्षमता हमें सामूहिक प्रयासों से पैदा करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि समाज के अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति के जीवन को हम कैसे बदल सकते हैं। और इसीलिए जब समाज में हम बैठते हैं
सामूहिकता के साथ बैठते हैं, मिलकर सामूहिकता के साथ निर्णय करते हैं, तो हम हमारे समाज में जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए भी हमें चर्चा संवाद करना चाहिए। लोकतंत्र हमारी ताकत रही है, लोकतंत्र हमारी विरासत रही है, लोकतंत्र हमारे जीवन की प्राचीनतम पद्धति रही है। इसीलिए तो कहते हैं भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारा लोकतंत्र आज़ादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है, हमारा लोकतंत्र महाभारत से लेकर तमाम युगों तक हमारा लोकतंत्र रहा, हमारे जीवन में लोकतंत्र रहा है। हमारे समाजों में, हमारे गांव में बैठकर हम जो चर्चा करते थे, बैठकर निर्णय करते थे, उस निर्णय चर्चा को समाज मानता था, गांव मानता था। और इसीलिए समय आ गया है, ये सामूहिक पंचायत करने का अर्थ हमारा ये होता है कि हमारी बुनियादी बातों को भी करें, लेकिन इसके साथ साथ समाज के पायदान के अंतिम बैठी व्यक्ति बैठे उसके जीवन को कैसे बदल सकते हैं। हम हमारे प्रयासों से कई धर्मशालाएं बनाते हैं, कई विद्यालय बनाते हैं, कई चिकित्सालय बनाते हैं, यह आप सामाजिक कंट्रीब्यूशन आपका बहुत बड़ा है, सामाजिक योगदान बहुत बड़ा है। वह केवल आप समाज के लिए नहीं करते, आप संपूर्ण समाज के लिए करने का काम करते हैं, ये हमेशा आपकी ताकत रही है। आप जब भी जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, आपको सब लोग क्यों मानते हैं कि आप सबको साथ लेकर चलते हो, आप सामूहिकता के साथ लेकर चलते हो, आप वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति को मानते हो, और इसीलिए सारा समाज भी आपके साथ रहता है। यह आपकी शक्ति और सामर्थ्य है। इसलिए हमें जब कई बार मैं समाजों में जाता हूं तो लोग कहते हैं समाज की राजनीति देश को तोड़ने का काम कर। मेरा कहना है समाज की राजनीति ही देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। जब समाज आगे बढ़ेगा, समाज के लोग बैठकर निर्णय करेंगे, अच्छी शिक्षा का, अच्छे संस्कारों का, अच्छी संस्कृति का, हमारी विरासत को याद करेंगे, हर समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो हर समाज को आगे बढ़ाना होगा, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलना होगा। और इसके लिए कुमाऊं समाज नहीं, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, आपका कोई भी बच्चा, बेटा, बेटी देश के अंदर या देश के बाहर अच्छी शिक्षा पढ़ना चाहता है, उच्च शिक्षा पढ़ना चाहता है, लेकिन धन के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा, मेरी जिम्मेदारी है, आप और हम मिलकर ये काम करेंगे कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। धन के अभाव के अंदर कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहे और कोई व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रहे। और इसलिए मैं कुमाऊं समाज के लोगों को जानता हूं, जब वह पत्थर पर बैठकर कठिन काम करते हैं तो उनको कई बीमारियां हो जाती हैं। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, समाज का ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, मैं आपके साथ बैठा हूं, जयपुर से लेकर दिल्ली तक उसको इलाज करेंगे, लेकिन उसको स्वस्थ रखेंगे हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज आपके बीच में मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और जिस तरीके की सामाजिक चेतना आई है, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने ने आपने संकल्प लिया है, सामूहिकता के साथ बैठकर समाज को आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया है, हम हमेशा आपके साथ हैं। ये समाज आगे बढ़े, देश और प्रदेश में नेतृत्व करे, नए राष्ट्र के निर्माण के अंदर और भारत की समृद्ध विरासत को जिस तरीके से आपने जीवंत रखा है उसको आगे लेके बढ़े, यही आपसे आह्वान करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।